हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर मिड डे मील वर्कर विरोध करने पर उतर आए हैं। शिमला शिक्षा निदेशालय के बाहर मिड डे मील वर्कर ने सीटू के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मिड डे मील वर्कर पिछले लंबे समय से अपने लिए नीति बनाकर नियमित करने की मांग उठा रहे हैं। मिड डे मील वर्कर लगातार पिछले कुछ समय से न्यूनतम 9000 वेतन की मांग कर रहे हैं। मिड डे मील वर्कर यूनियन की महासचिव हीमा देवी ने बताया कि वह बीते 18 वर्षों से महज 33 रुपए दिहाड़ी पर अपनी सेवाएं दे रही हैं, जबकि महंगाई आसमान छू रही है। इस दौर में इतने कम वेतन में गुजारा कर पाना संभव नहीं है। आज का जो ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये पूरे ऑल इंडिया फेडरेशन की जो है कॉल आई है। ये मात्र हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पर जो है आज का ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज का जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, पिछले 18 वर्षों से जो है मिड डे मील वर्कर अपनी इस स्कीम योजना के अंतर्गत अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और 11 करोड़ 43 लाख जो है स्कूलों में जो है 12 करोड़ बच्चे जो है पूरे देश में जो है इस मध्याह्न भोजन के चलते इस सेवा से जो है लाभ उठा रहे हैं। 25 लाख मिड डे मील वर्कर जो है पूरे देश में अपनी सेवाएं दे रहा है। इतनी भारी पैमाने पर ये स्कीम योजना चली होने के कारण जो है सरकार भारी पैमाने पर मिड डे मील वर्करों का शोषण कर रही है। पिछले 12 वर्षों से जो है केंद्र सरकार द्वारा मिड डे मील वर्करों को केवल 33 रुपये की दिहाड़ी दी जा रही है, जो कि आज कि इस महंगाई के दौर में उचित नहीं है। बड़े ही शर्म की बात है, पिछले 12 वर्षों से जो है महंगाई आसमान छू गई है, लेकिन मिड डे मील वर्करों के वेतन को जो है महंगाई के आंकड़ों से नहीं जोड़ा गया। दूसरा, हम सरकार से कहना चाहते हैं कि मिड डे मील वर्कर को जो है न्यूनतम वेतन कम से कम 9000 रुपए मिलना चाहिए। और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि पिछले 3-4 महीनों से जो है अभी तक मिड डे मील वर्करों को जो है मात्र 2600 का वेतन नहीं दिया गया है। बार बार हमारा अनुरोध करने पर भी मिड डे मील वर्करों को सभी जगह पर जो है वेतन नहीं दिया जाता है। यदि हम सरकार से इस विषय पे वेतन के विषय में बात करते हैं तो शिक्षा विभाग का कहना होता है कि हमारे पास बजट की कमी है, इसलिए हम मिड डे मील वर्कर को जो है वेतन नहीं दे सकते। पर हमने बार बार कहा है कि आपके पास अन्य सरकारी वर्कर को जो है देने के लिए हजारों में लाखों में एक या दो तारीख को, महीने की एक या दो तारीख को देने के लिए आपके पास पैसा है, लेकिन मिड डे मील वर्कर की जब बात आती है तो 2300 रुपए के लिए 2600 रुपए के लिए सरकार के पास खजाना खाली हो जाता है, जो कि बिल्कुल ही उचित नहीं है। इस तरह से आप भी देख सकते हैं कि मिड डे मील वर्करों के साथ जो है किस तरह से जो है सरकार तो सरकार पर विभाग और यहाँ तक कि स्कूल में अध्यापक भी इतना ज़्यादा शोषण कर रहे हैं कि हम कुछ बता नहीं सकते हैं। आज मिड डे मील वर्करों के लिए सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि हिमाचल प्रदेश में जो है 8000 मिड डे मील मल्टीटास्क वर्कर के रूप में नए तरीके से जो है भर्तियां की जाएगी, लेकिन हम इस बात को बिल्कुल कतई भी बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि 18 वर्षों से जो मिड डे मील वर्कर अपने स्कूलों में सेवाएं देने के साथ साथ सारे मल्टीटास्क वर्कर के कार्य मिड डे मील वर्कर से करवाए जा रहे हैं। स्कूल से डाक का काम, चाय बनाने का काम, कोई किताबें आती है बच्चों के लिए, मतलब सभी तरह का जो भी मल्टीटास्क वर्कर का कार्य होता है हमारा वर्कर हम सभी जो है पिछले इतने सालों से कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने फरमान जारी कर दिया कि नई तरीके से जो है भर्तियां होगी। हमारा सरकार के आज के इस प्रोटेस्ट के माध्यम से कहना है कि सरकार जो है इस अपने जो दिए गए दिशा निर्देश से जो है वापस पीछे हटकर जो है मिड डे मील वर्करों को ही जो है प्राथमिकता मिड डे मील वर्कर की भर्ती में, मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती में दें। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।